आज हम इस वीडियो में SSC CHSL 2020 के एग्ज़ाम को देखते हुए सामान्य ज्ञान के सेट 2 को लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वह नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया था वह 1951 ईस्वी में किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है वह जो है प्रारंभ आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष के रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, केरल राज्य जो है निम्नलिखित में से भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो निम्नलिखित में से जो है पूंजी का संग्रहण के लेखक जो है वह श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है? तो मल्टीमीडिया में जो है सम्मिलित होने में वो जो है ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है, म्यूजिक है और आवाज़। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यह सब जो है मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? तो भारत का पहला संचार उपग्रह जो है वह श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग स्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिमोट सेंसिंग स्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था उसका जो नाम था वह था जॉर्ज यूले। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो निम्नलिखित में से जो है भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वह भारत का राष्ट्रपति है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व के अर्थव्यवस्थाओं से जो स्थान है वह जो है पांचवी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष बनाया गया है वह उन्हें जो है प्रधानमंत्री को बनाया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। और योजना आयोग के जो योजना आयोग है उसका जो स्थापना था वह जो है 2005 में किया गया था और उसी के नाम को बदल कर नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में किया गया है। तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैमरा में प्रयोग किया जाता है? तो कैमरा में जो है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तैरे तरंग जो है सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से जो है मतलब जो तैरे तरंग जो सबसे कम है उसका जो कलर का नाम है वो है नीला। नीला का जो है प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम है और लाल रंग का जो है ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोवन सोडा मतलब वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है?
तो वाशिंग सोडा का जो सूत्र है वो Na2CO3 है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो रेफ्रिजरेटरों में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वह जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो कोशिकाओं की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक के नाम है वो है रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है धातु तत्व होता है वह है लोहा होता है, मतलब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा भी पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलंग कंद के उदाहरण है, मतलब बल्ब के उदाहरण क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है प्याज, सलग कंद का जो उदाहरण है वो प्याज है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला राइबोजियम है, तो वह जो राइबोजियम है वो है जीवाणु, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी, तो सम्राट कनिष्ठ की जो राजधानी थी वह पेशावर था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किया था, तो मतलब उस सुल्तान का वो क्या नाम है जिसने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का नाम बता दिया था, तो वह जो है इल्तुतमिश है, जिसने अपने जीवन काल में ही मतलब अपने उत्तराधिकारी का नाम बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह कृष्ण थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी, तो भारत में स्थाई बंदोबस्त की जो योजना बनाई थी वह जॉन शोर ने बनाई थी, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का मूल नाम था, तो बाबर का जो मूल नाम था जहीरुद्दीन था, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, जहीरुद्दीन। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।